देखिए, राहुल जी को जैसे मैंने कहा है, वो एक अच्छा एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है, वो एक्चुअली में जो शिव जी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर, हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते वो भी कांग्रेस का हाथ है। तो आज जो भी हाथ उठाते हैं भगवान, उन्होंने सब सबको जो है कांग्रेस का प्रचारक बना दिया। और उन्होंने कई आपत्तियां जताई। सबसे बड़ा उनका जो गिला शिकवा था प्रधानमंत्री जी से, कि जब वो आते हैं, जब राजा साहब आते हैं, राजा बेटा जैसे मैं उनको बुलाती हूँ, तो वो प्रधानमंत्री जी जो है वो खड़े होकर उनको नमस्ते नहीं करते। तो ये उनका गिला शिकवा था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट था। और फिर उन्होंने ये भी गिला शिकवा दिखाया कि अध्यक्ष जी पे उन्होंने जो है ये किया कि जब वो हेलो करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को वो जिस उससे करते हैं, इन राजा बेटा को वो सम्मान नहीं मिलता है। तो खैर, मैं मुझे तो लगता है कि और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। कंगना जी, हिंदू धर्म को हिंसक कहा राहुल गांधी ने, आपको लगता है कि पूरे हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरीके की बातें सदन में की गई? देखिए, जो उनका सारा ही भाषण बहुत आपत्तिजनक था। एक तो वो सारे प्रिंटआउट्स लेके आए थे, हमारे भगवान जो हैं शिव जी उनको डेस्क पे रखा हुआ था। हम सब जानते हैं कि भगवान की जो मूर्तियां होती हैं और जो उनके चित्र होते हैं, उनके हमने पूजा एक मंदिर या किसी तरह के ऐसे पवित्र स्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है, और बेंच पे रख रख के और उनको उछाल उछाल कर जो वो है भगवान, हमारे भगवानों का अपमान कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा तो उन्होंने जब हर हदें पार कर दी, जब उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के जो सारे लोग हैं जो ये आस्था रखते हैं वो एक हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, ये आई थिंक उनको माफी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर।